आपने मैं परवाना जो नया गाना आया है जिसमें डांस ट्रैप बहुत वायरल हो रहे हैं और वो गाना पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आपने वो देखा है? आपका उस गाने के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, वो AR रहमान की कंपोजिशन है, ट्यून है, और वो गाना वायरल हो गया है। उसका ट्यून भी, शायरी भी, कंपोजिशन भी, और ऊपर जो कोरियोग्राफी करवाई गई है, डांस करवाया गया है, वो सारा कॉम्बिनेशन ही कमाल है। या आप देखिए कि AR रहमान का वो गाना है और फिल्म है पीपा, और उसका बैकग्राउंड जो है वो हमारे लिए बड़ा अहम है कि वो 1971 जो पाकिस्तान से बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था उस पर बुनियादी तौर पे, तो ये एक प्रोपोगंडा फिल्म है, वो बात में बात हम करेंगे इस व्लॉग में। पहले हम उसकी बात करते हैं कि कितनी ग्रेविटी है उस गाने में, उस शायरी में, उस कोरियोग्राफी में। और वो आशान खतर लड़का है, उसको हो गए हैं, वो उसके मम्मी पापा जो हैं वो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, वो उस कम्युनिटी से है, फिल्म कम्युनिटी से ही है, आर्टिस्ट कम्युनिटी से है। और 28 साल का बच्चा, वो उसमें एक फौजी उसका बैकग्राउंड दिखाया गया है, और वो फौजी है बाय प्रोफेशन, और वो मैं परवाना, और वो उसकी कंपोजिशन और ट्यून में, गाने की ट्यून में वो रखा गया है 1971 का एरा, जो ज़माना था शमी कपूर का, जो ज़माना था दिलीप कुमार का, जो ज़माना था राजेंद्र कुमार का, राजेश खन्ना भी थे उसमें, शमी कपूर का स्टाइल जो वो डांस का था वो उस वक्त भी वो मुख्तलिफ था, और वो सारे करियर और हिस्ट्री में मुख्तलिफ रहा है। लेकिन सिर्फ वो शमी कपूर नहीं है, उसमें नया शामिल किया गया है, उसमें प्रभु देवा आपको नज़र आते हैं। वैसे तो ये विजय गंगोली हैं, और पहली दूसरी फिल्म में ही इन्हें अवार्ड मिला है, विजय गंगोली उसके कोरियोग्राफर हैं, और आशान खतर जो है वो उसके हीरो हैं। और ये गाया अरिजीत ने है, अरिजीत, सोनू निगम और उदित नारायण, इनके बाद की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसके सबसे बड़े और सबसे कामयाब सिंगर हैं अरिजीत। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि जो मेरा म्यूज़िक जो है, वो मैं एक म्यूज़िक लिसनर हूँ, उसमें मुझे अगर पूछा जाए कि उसमें दो ख़वातीन भी हैं, पूजा तिवारी और निशा शेट्टी, ये अरिजीत के साथ गाया, तो पूजा तिवारी और निशा शेट्टी ने अरिजीत से भी ज़्यादा अच्छा गा दिया है। अरिजीत का आप अगर अंतरा जो मुखड़ा होता है गाने का वो सुने, तो वो थोड़ा फंसा हुआ है, और उसमें उस तरह से मेलोडी और फीलिंग्स जो हैं वो ऐड नहीं कर सके अरिजीत। लेकिन आगे जो अंतरे हैं उनमें आती हैं पूजा तिवारी और निशा शेट्टी, उन्होंने बहुत अच्छा, आप सुन के देख लें, उन्होंने जो है खुन्ने सेक दिए अरिजीत के खुन्ने से, बहुत अच्छा उन्होंने गाया है। और ये बुनियादी तौर पे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक प्रोपोगंडा फिल्म है, फिल्म को अब अगर प्रोपोगंडा फिल्म बनानी है तो वो कैसे बनानी है, ये अगर आपने देखना है तो वो ये शुरू हुआ है हॉलीवुड, अमेरिका में भी ये काम हुआ है, उन्होंने ये शुरू किया है, ईरान का सिनेमा बहुत अच्छा ये तरीके से कर रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी प्रोपोगंडा फिल्म अच्छी नहीं बनाई, अगर प्रोपोगंडा वो फिल्म बनाता है तो बहुत ही वो तफन ज़दा हो जाती है, जो कोई दूसरा जो है वो लोग जो है, दूसरा मुल्क के लोग जो हैं फिल्म बेन देखने के बजाय अपने भी नहीं देखते। अभी इस ज़माना हाल में यहाँ एक फिल्म बनी, खोए हो तुम कहाँ या खोए हो तुम अजनबी, ये कामरान शाहिद साहब ने बनाई, वो भी 71 का, ये फॉल ऑफ ढाका और अलहदगी थी, तो मेरा ख्याल है कामरान साहब के घर वालों ने भी नहीं देखी वो फिल्म, ऐसी वो फिल्म पिटी, और 8-9 करोड़ रुपया वो साया हुआ। ये पीपा जो फिल्म है, ये भी एक प्रोपोगंडा फिल्म है, लेकिन इसको इस तरह से फिल्म पे तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, जाहिर है वो एंगल जो कैमरा उन्होंने फ्रेम रखा होगा वो अपनी तरफ से रखा होगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू होगा इंडिया का और बंगालियों का, वो पाकिस्तान के वो खिलाफ ही होगा। लेकिन अगर हम बात सिर्फ पीपा के इस गाने की करें तो वंडरफुल,
अमेजिंग, ऐसा काम, ऐसा डांस पाकिस्तान में तो खैर हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ इंडिया में कोरियोग्राफर्स की एक बहुत लंबी चौड़ी खेप है, और विजय गंगोली ने जो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में आलू रख देना, वो उन्होंने रखा है और ये वायरल हुआ है गीत और इसके स्टेप्स भी, और इतना अच्छा करवाया है आशान खतर से, इतना अच्छा और इतना मुलायम और इतनी रवानी से करवाया है, और वो जो ख़ास तौर पे वो मैं एडिटर को कहूँगा कि इस व्लॉग में वो स्टेप लगाएं जो वो डाइनिंग टेबल पे चढ़ के कर रहा है, और किस तरह से मुलायम वो सारा उसने वो डांस किया है। मेरा ख्याल है मैं तो खुद जो है आपके इल्म में अमीर टाकीज़ देखने वाला हूँ, क्योंकि मैं इंडियन शूटिंग्स भी फिल्मों की अटेंड की हैं, वो एक एक गीत पे एक एक सॉन्ग पे बहुत दिन रिहर्सल करते हैं और उसको बहुत बहुत प्रोफेशनल तरीके से मुलायम तरीके से करते हैं। और ए आर रहमान मैं इसको किसी और व्लॉग में वो शेयर करूँगा कि वो लाहौर आ चुके हैं, पाकिस्तान आ चुके हैं, और यहाँ वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के मेहमान थे, और उनका पीरियड देखिए 1995 से शुरू होकर ये 2023 ख़त्म हो गया है, और ये 30-32 साल से वो लाइमलाइट पे छाए हुए हैं, और आज भी इंडिया में इस रीजन में सबसे बड़ा गाना हिट वो बना रहे हैं, दे रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त वो चीज़ है। मैं इसे जो अगर नंबर मुझसे आप कहें कि क्या 10 out of 10 मार्क्स हैं, और सारा जो टीम है, सारा यूनिट जो है, उसने बेहतरीन काम किया है।